बार और करवा दीजिए। ये हुई ना बात। रेस देना है भाई, किक तोड़ेगा तू तो। हाँ होगी होगी, बैठो बैठो, तू भी बैठ ले पीछे। जय माता दी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे ही सबसे पहले काम होता भाई साफ़ सफाई करके, फिर बाद में नहा धो के करनी होती है पूजा। तो अभी सभी लोग उठे नहीं हैं, धीरे धीरे करके भाई लाइन से उठ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उठ जाती हूँ, फिर उसके बाद में पानी आ जाता है, पानी के लिए भी मोटर चला देती हैं, ताज़ा पानी भरना होता है पूजा के लिए, वो भर के रख लेती हूँ। फिर पापा उठ जाते हैं, उनके लिए चाय वगैरह बना के, और फिर मैं अपने वही डेली का जो रूटीन है उसमें लग जाती हूँ। सबसे पहले घर की सफाई कर लेते हैं, मंदिर है उसके में जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं वो साफ़ करके, और फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। नहाने के बाद फिर वही है, तैयार होकर पूजा कर लेते हैं। और कई दिन के बाद आज आए थे भी पतिदेव, वो गए हुए थे बाहर, तो कई दिन से बिल्कुल खाली खाली हो रखा था। और इसकी बुआ आई है इशिका की, तब से थोड़ा सा भी तो भाई इसकी बुआ आई है और बच्चे आए हैं, तब से थोड़ा सा भी घर में थोड़ी सी रौनक लग रही है, वरना दक्ष के जाने के बाद तो बिल्कुल एकदम खाली खाली सा लग रहा था। तो अभी ये आए हैं, दो तीन दिन तक रुकेंगे और फिर उसके बाद तो भाई वही खाली खाली हो ही जाना है घर। तो यहाँ पे अभी मैं चढ़ा देती हूँ भी दाल बनने के लिए, और उसमें मैंने डाल दिया है हरी मिर्ची और टमाटर, साथ में ही मिक्स कर देती हूँ मैं, बाद में नहीं अलग से तड़का लगाते हैं, उस टाइम पे ज़रूरत नहीं होती भी प्याज टमाटर डालने की। और प्याज तो भाई नवरात्रे चल रहे हैं वैसे भी यूज़ नहीं होता, और साथ में मैंने एक अंगारी थी वो सिलगा के रख दी है, हवन करते हैं उस टाइम पे काम आ जाती है, जो अपना भी सामग्री डालते हैं। तो मैं नहा के आई, तब तक वो अच्छे से भी पक चुकी थी, वो कच्ची रहती तो उसमें से धुआं निकलता रहता। तो यहाँ पे बस अब जो तैयारी थी मैंने वो कर दी है, इशिका भी उठ चुकी थी, और उसके बाद अब ये नहाने के लिए चली जाएगी। जो ताज़ा जल पर रखा हुई लोटा है मंदिर में भी लेके जाते हैं, शिव जी पर यहाँ घर पे भी चढ़ाते हैं, सूर्य देवता को भी अर्घ देते हैं, तो वो सारा पानी मैं भर के रख लेती हूँ। और ये जवारे इतने अच्छे हो रखे हैं, जो बोए थे बस भाई इतने बड़े बड़े लहला रहे हैं कि बहुत सुंदर इनका कलर आ रखा है, और पूरे लंबे लंबे हो रखे हैं, क्योंकि मैंने ये एक दिन पहले भिगो के रख दिए थे। जैसे भी खेत में बोते हैं, गेहूं बोते हैं या वो, तो वो थोड़ा जल्दी ग्रो करे तो इसी तरह की टेक्निक अपनाई जाओ उसमें भी। तो यहाँ पे मैंने वो एक दिन पहले भिगो दिए थे और फिर उसके बाद मैं ये बोए, तो इतने अच्छे हो रखे हैं जवारे, आज तक नहीं हुए थे भाई इतने अच्छे। तो यहाँ पर जो पूजा है वो कर लेती हूँ अभी मैं, फिर चलेंगे भी मंदिर में। अभी तक भी उठ तो भी सभी चुके हैं, परीशी का नाई है और तो कोई नहीं नहाया है। और फिर उसके बाद में जो घर पे आके काम है वो रोटी वगैरह बनानी है, तो वही बनाई जाएगी। अभी मैं बस दाल को बॉईल कर देती हूँ, उसमें सिर्फ जीरे का ही तड़का लगेगा, बाकी तो भी कुछ प्याज वगैरह तो कुछ यूज़ होगा नहीं। तो बस अब पूजा कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते।
स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। तो 8:30 बजे का टाइम हो गया और मैं हो गई रेडी। तो अभी चले हैं मंदिर में, तैयारी कर ली है और बच्चे भी उठ रहे हैं। इसी का नाई है, बाकी कोई नायन है नहीं। और ये देखो भाई, अंशु तो नाया है नहीं, और पूर्व को भी देखो कैसे लेट रही है। और ये बिना नहाए जाएंगे भी मंदिर में, हम तो जा रहे हैं बाद में भी। मैं गल गल बोला बाबा कुछ ना कहने का देगा, ईसाए बोला सा छोरा सा ना, तुम मम्मी ना हो बहुत टाइम लगा के दो घंटे बिना ना निकले। चले माता उठ ले तू भी, दीदी नहाएगी ना, दीदी ना नहा, दीदी दीदी ना डाटा लग गया, दीदी ना उठा जा। ठंड लग गई थी उसने, ये कभी बांधना पड़ेगा पुरु का गुदड़ा। नू नू यार अब ये कभी एक गुदड़ा बांध देंगे कड़ पे काटड़ी की डाना। ये की समझ में ना आया भाई कुछ। चलो भी मंदिर में। राधे राम राम। यार तन देख तो माता का दरबार भी नहीं है वो खाली जा जल ये हुई ना बात। दिखाते ना, अब जूम नहीं होगा इसलिए। ऐसे नहीं बोलते, सिखाया कर कुछ। बोला तो मैंने, कहती थप्पड़ मार दूंगी। थप्पड़ नहीं समझाया था, कैसे नहीं बोलते गंदी बात मेरी। हाँ इसको बात करना ही नहीं आता। ब्लॉग सामने बोलती है, ब्लॉग सामने ही बोलेंगे हम तो भाई, ऐसे ही बोल। सॉरी बोल पब्लिक को, सॉरी बोल सॉरी गाइस। और ये बिना नहाई धोई वीडियो में क्यों बोल रही है? अभी वीडियो जाएगी यूट्यूब पे और वीडियो कटे भी नहीं की। और ये भी बिना नहाई धोए, एटलीस्ट इसने ब्रश तो किया, इसने ब्रश भी नहीं की। आज भोले बाबा का दिन है, आज भोले बाबा कुछ वो नहीं मानते, छोटे छोटे बच्चों को ऐसे ही माफ कर देते। मतलब छोटे बच्चे तो फिर भी, पर ये आंटी, ये छोटी बच्ची है ये आंटी। दीदी आपने सब चीजें कह दी, वो तीन आंटी खड़ी। दीदी सुनो ये सब चीजें चल उतरे देखियो भाई अंशु कितना होना चाहिए भाई तेरे में आइडिया कितना है? तेरा आइडिया कितना है? 53 है। ए ना घना कोने कति सही है हाइट के अकॉर्डिंग, 59 है, 4 किलो ज्यादा है। सबसे भारी भरकम इंसान को चलाया गया। 72 72
और भी प्लस भी हो रहा है, आग गए साढ़े हो रहा है। बाड़े वाले आए वो भी दो। एलेक्सा स्टॉप, मेरी कॉपीराइट दे देगी मेरी उसमें। हेलो गाइस, तो ये यहाँ पे खाना खा रहे हैं बच्चा पार्टी। कैसी बनी है दाल चिंकी? बहुत पतली चिंकी के तो हमेशा भाई नखरे रहे आकर। तू बता काम वाली भाई हूँ मैं है? के है बहुत चटोरी है, बहुत ज्यादा चटोरी, इसके जितनी चटोरी। और ये बड़ा सीधा सरी बच्चा है, और ये अपनी फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच है ना एलेक्सा कंटिन्यू, फ्रेंच भाषा में आपको एक स्टोरी सुनाएगा। रेस देना है भाई, किक तोड़ेगा तू तो। अंशु हाँ होगी होगी, बैठो बैठो, तू भी बैठ ले पीछे। चलो चलो चला, कुछ डरना, पैर टेक लिए पूरा, तू भी हाँ वह है, पर गणेशन हो गई ना, चलाई ना है। बना कर रही तेरी डबल चिन, डबल चिन मिटावेगी हाजिया। मेरे जाते ऑर्डर कर दिए है ना, चिन को पतला करने के हम जा रहे हैं आज इन लोगों को मोमोज खिलाने। ये गाइस ये ड्राइवर है, ये पैसेंजर प्रिंसेस, पैसेंजर प्रिंसेस है, प्रिंसेस ही कह दी, पैसेंजर प्रिंसेस होती है, सो साइड में बैठती है। टाइट टाइट फीस, क्योंकि अभी दुकान है बंद, आज आ जाइए चल लेंगे घर में। खाली है मोमो, कित गई है बुआ दुकान देख। भाई अब हम चले हैं इनको मोमोज खिलाने के लिए नरेला, यहाँ की शॉप बंद थी और इनको भूख बड़ी जोरों की लगी हुई है। और अब हम ऊपर जा रहे हैं, मामा पेट मत लेना। अच्छा अरे यार आड़े की तो खेत में लिकड़ी है बढ़िया डाला ना, आड़े नहीं खेता मैं करियो बेबे, अरे देखिए अजीब अजीब से आदमी देखेंगे है ना, यो के हो रहा है हमारे यहाँ नहीं बोलते, यो के हो रहा है अरे वे कौन है हम जाते हैं, ये क्यों इधर आ रही सब बात जागी के बोल नहीं है कभी, आए ये छोरी की तो बात कर इनकी मार बीश में लगी, लुगाई इधर गाड़ी दे रखी है, लुगाई हमें लग सर पे चुन्नी कर रखी खेत नाम बेबे खेत गाइस, तो ना अभी हम ना घूमने जा रहे हैं, और ये मेरी बहन है और ये मेरी बहन है, और अभी हम घूमने जा रहे हैं। यार प्लीज इशिका ऐसे मत करो यार, ऐसे वीडियो मत खराब करो। और यहाँ पे पहुँचने के बाद भी इन लोगों को भी मोमोज तो यहाँ पे मिले नहीं, फिर उन लोगों ने मंगवाया वाइट सॉस पास्ता बर्गर कोल्ड ड्रिंक, और अभी तो भी इनसे जो कमिटमेंट इनको बोल रखा है कि भी मोमोज खिला के लेके आएंगे तो वो अभी बाकी है, पहले यहाँ पे पेट पूजा कर लेते हैं तो फिर उसके बाद मोमोज देखेंगे। छोरा मोमोज नहीं खाता, इतने प्यार तक खिलाऊं, अरे मम्मी दिला देगी, खा ले खा ले खाइए। और यहाँ पे इन लोगों को भी मिल चुके थे इनके मोमोज, जिसके लिए ये इतने बेचैन हो रखे थे, तो फाइनली इनको मिल चुके हैं मोमोज। उसके बाद में अंशु
के लिए एक भी ड्रेस लेनी थी और ये बिल्कुल सिंपल से ही कपड़े पहन कर कम्फर्टेबल रहता दक्ष की तरह। उसको भी जीन्स और ये शर्ट वगैरह बिल्कुल पसंद है नहीं, तो इसने भी बस लोअर और टी शर्ट ली है, इन्हीं में कंफर्टेबल रहते हैं। जीन्स तो इनकी ऐसे की ऐसे रखी रह जाती है, रखी रखी छोटी हो जाती है। और उसके बाद में हम चले, जब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था भाई, 15 मिनट की सोच कर निकले थे घर से कि 15 मिनट में वापस आ जाएंगे, पर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ही लग गया क्योंकि पास में ही हम लोग इनको खिला के लेके आते मोमोज, पर वहाँ पे पास वाली जो दुकान थी वो बंद थी। और आज तो भाई पूरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी था, पहले गए थे इशिका की फ्रेंड के घर पे और फिर वहाँ से उससे पहले गए थे हम सूट खरीदने शॉपिंग करने, तो भाई वो चीज़ें तो दिखाई ही नहीं गई आज के व्लॉग में। भैया पहुँचे हैं घर पे और टाइम हो रखा है 7:45 बजा दिए। हे राम, थोड़ी सी दूर की थी आ गए थे, इतना टाइम लगा दिया। इसमें मैं बनाऊंगी खाना पीना, ना अपना बनाया है ना इनका बनाया है, और ये तो मोमोज और पास्ता खा खा ले हैं। फंस गया जिनके चक्कर में मैं, और बहुत ज़्यादा लेट हो गए, तो फटाफट कर ले भी खाने पीने की तैयारी और फिर मिलेंगे फुर्सत। और घर आने के बाद भी फटाफट सब ने अपने अपने हिस्से का काम निपटाया और 1 घंटे के बाद ही हमारा खाना रेडी हो चुका था। यहाँ पे मैंने भोग के लिए खीर बनाई थी, कुट्टू के आटे की रोटी बनाई थी और लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, बड़ी टेस्टी बनी हुई थी खीर। बच्चे बड़ा मज़ा लेके खा रहे थे, इन दोनों बहन भाई को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती भी समा के चावल की खीर। और ये इशिका दिखा रही है कि ये खीर में किसने डाल दिया, तो ये मेरा काम था। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।